वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप ठीक है उम्मीद है आप सब से होंगे ठीक ठाक होंगे और मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान आर जमील वरी एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर है कुछ नए फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के ऊपर ज़िंदगी नाम किसका है मेरी हार तेरी जीत का मेरी खुशी तेरे गम का तुम्हारे आज मेरे कल का आखिर जिंदगी नाम किस का है जानना चाहते हैं जिंदगी नाम है सुनो जिंदगी नाम है गिर कर उठने का जिंदगी बिखरने से पहले जुड़ने का नाम है जिंदगी हर मुश्किल से लड़ने के बाद मुस्कुराने का नाम जिंदगी है जिंदगी कल की फिक्र छोड़कर नफरतों की जंजीरें तोड़कर दूसरों के दुखों में साथ देकर अपनी खुशियों में उन्हें साथ लेकर अपनी खुशियों में शामिल करने का नाम है ज़िंदगी साथ जीने का नाम है ज़िंदगी सारे इंसानों को इंसान समझकर मोहब्बत बांटने का नाम है ज़िंदगी ये बातें जिसकी ज़िंदगी में नहीं है वो ज़िंदगी नहीं गंदगी है दरिंदगी है हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नाम है ज़िंदगी उसके बाद नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा कर देखते हैं लोग आपको कमा के देते हैं ज़रूरी नहीं है कि जिसमें सांसें चल रही हैं या सांसें नहीं हैं वो मुर्दा है जिस इंसान में सांस है लेकिन उस इंसान में इंसानियत नहीं है वह भी तो मुर्दा है आज हमारे देश का ये हाल है कि गाय चुराने में गाय को चुराने में शर्म महसूस करते हैं और कुत्ते को घुमाने में फ़ख्र महसूस करते हैं गाँव में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं और घरों में करवाहट बढ़ती जा रही है ज़ुबान में मिठास कम होती जा रही है और हमारे जिसम के अंदर शुगर बढ़ती जा रही है क्या खूब कहा है किसी ने कि किताबें अगर फुटपाथ के ऊपर बिकेंगी और जूते ऐसी दुकानों में बिकेंगे तो हमारे इस कौम को म की नहीं जूतों की जरूरत है जिस मुल्क में वाटर कूलर को जंजीरों के साथ बांधा जाए जिस मुल्क में लोगों को मस्जिद के अंदर नमाज से ज्यादा अपने जूतों की फिक्र होती है कि जूते चौड़ी ना हो जाए जिस मुल्क के अंदर मासूम बच्चियों के साथ ज्यादा की जाए एक अकेली खातून मोटरवे के ऊपर पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का खड़ी है और उसे ज़्यादा का निशाना बनाया जाता है उस मुल्क में क्या तरक्की होगी उस मुल्क के हकमरानों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए हमें बोलना चाहिए वो हमारी बहन बेटी आज अगर किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो कल हमारी बहन बेटी भी तो हमारी माँ भी तो घर से बाहर जाती हैं तो सोचे ये मसला किसी एक का मसला नहीं है ये मसला सब का मसला है हम सब को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए दोस्तों हम सबको कदम बढ़ाकर आगे चलना चाहिए हमारी सोच एक होनी चाहिए तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे आज हमारे हुक्मरानों को पता नहीं नज़र ही नहीं आता क्यों मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती की लड़की उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है अफसोस इकबाल ने लफ्ज़ यूज किया था हमारे लिए शहीन का अफसोस सद अफसोस शहीन बना तू देखे ना तेरी आँख ने फितरत के अशारात तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से ए जुड़मे जहैफी की सजा मर गए मफाजात मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं मजद कुछ कह सकूँ बस दोस्तों अपना बहुत सरा ख्याल रखिएगा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन का बटन दबा दें लाइक कर दें शेयर कर दें इससे ज़्यादा और आप क्या कर सकेंगे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़